व्यूअर्स हैं वो जानना चाह रहे थे कि ओपीएस और यूपीएस में क्या अंतर है। जहां दोस्तों जो सरकार अभी लाई है यूपीएस वो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, और पहले हम लोगों जो कर्मचारी थे 2004 से पहले उनको मिलता था ओपीएस। यहां दोस्तों तो व्यूअर्स हमारे जानना चाह रहे थे कि ओपीएस और यूपीएस में क्या अंतर है। जी हाँ दोस्तों, आज चलिए आप बताते हैं पूरा डिटेल, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस में जो है कर्मचारी का कोई योगदान नहीं देना होता है। जी हाँ दोस्तों, जबकि यूपीएस में आप देखिए कर्मचारी को 10% बेसिक प्लस डीए का योगदान देना होता है, यानी कंट्रीब्यूटरी सिस्टम है, जबकि ओपीएस नॉन कंट्रीब्यूटरी सिस्टम है। जी हाँ दोस्तों, और ये जो 10% यूपीएस में देख रहे हैं दोस्तों बेसिक प्लस डीए का, ये आपको वापस नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी कमी यूपीएस का यही माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी इसीलिए सबसे ज़्यादा नाराज यूपीएस से चल रहा है। सिर्फ 10% जो पैसा कटता है जो कर्मचारी का, वो उसको वापस नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक और इसमें कमी है, वो आगे हम आपको बताएंगे वीआरएस के सिस्टम में। जी हाँ दोस्तों, आप देखिए ओपीएस में सेकेंड पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट तो देख लिए कर्मचारी का कोई योगदान नहीं देना होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, न्यूनतम 20 वर्ष की सेवा पर पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप 20 वर्ष सेवा जब ओपीएस में कर लेते हो, उसके बाद आप रिटायरमेंट ले लेते हो या वीआरएस ले लेते हो, तो आपको पेंशन शुरू हो जाता है। जबकि आप यहाँ पर देख सकते हैं यूपीएस में न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद पेंशन मिलेगी, परंतु आपको बता दें कम से कम 25 साल आप जब सेवा करोगे तब फुल पेंशन मिलेगा यूपीएस में। आपको बता दें ये पेंशन 60 वर्ष पूरा होने के बाद मिलेगा, यानी कि 10 वर्ष के बाद अगर कोई वीआरएस लेता है या 25 वर्ष के बाद कोई वीआरएस लेता है, तो उसको 60 वर्ष की आयु तक इंतज़ार करना पड़ेगा यूपीएस में, तब जाके उनको पेंशन मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर बीच में उनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो उसका वो भी पैसा यूपीएस वाला डूब जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी कमी दो पॉइंट था इसमें, एक तो 10% बेसिक और डीए का कट रहा था यूपीएस में, वो आपको वापस नहीं मिलेगा, और दूसरा वीआरएस पर आप अगर 20 साल में नौकरी पर आते हैं और अगर आप 25 साल नौकरी करते हैं, 45 साल के बाद अगर वीआरएस लेते हैं, तो आपको 60 साल तक इंतज़ार, यानी 15 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा पेंशन पाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ राज्यों में आपको पता होगा कि एससी एसटी के लिए 42 साल उम्र है, और कुछ राज्यों में 45 साल तक लोग फॉर्म भरते हैं सरकारी नौकरी पाने के लिए। ओबीसी वाले 40 वर्ष तक भी फॉर्म भरते हैं, उस केस में अगर उसको नौकरी लगती है, या फिर अर्धसैनिक बलों की अगर नौकरी लगती है तो 25 वर्ष पूरा नहीं कर पाएगा, यानी उसके लिए यूपीएस सबसे बेकार सिस्टम साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट ओपीएस में देखिए, 50% बेसिक पर डीए के साथ गारंटी मिलता है, और यहाँ पर भी आपको बता दें कि यूपीएस में भी 50% आपको मिलेगा मूल वेतन का। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा देखिए ओपीएस में जो है चौथा पॉइंट देखिए, रिटायरमेंट पर पीएफ का पूरा पैसा टैक्स फ्री मिल जाता है, तथा रिटायरमेंट से ही पेंशन शुरू हो जाती है। सबसे बड़ी बात ओपीएस की यही लगती है दोस्तों, कि जब आप 20 साल पूरा कर लेते हो, उसके बाद आप वीआरएस लेते हो, तो आपको पूरा पैसा पेंशन भी मिलना शुरू हो जाता है, और पीएफ का पैसा भी आप ले सकते हो। जबकि आप देखें यूपीएस में 45 वर्ष की आयु नौकरी छोड़ने पर 15 साल का पेंशन के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है, जो आदमी 45 साल में वीआरएस लेना चाह रहा है उसके लिए है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा देखिए बहुत सारे पॉइंट हैं जो काफ़ी डिफरेंस पैदा कर देता है ओपीएस और यूपीएस में। मान लीजिए यूपीएस ओपीएस का सिस्टम देखिए, मान लीजिए आप 20 साल की आयु में नौकरी लगे और 25 वर्ष की सेवा के बाद वीआरएस लेते हैं, तो 45 साल की आयु पर पीएफ का पैसा और पेंशन दोनों मिलेगा ओपीएस में। जी हाँ दोस्तों, ओपीएस में दोनों आपको मिल रहा है, जबकि आपको इसमें आपको बताए थे यूपीएस में ऐसा नहीं है, जो पहले हम आपको बता चुके हैं। इसके अलावा रिटायरमेंट पर केवल 6 माह के वेतन के बराबर पैसा मिलेगा, और आपके द्वारा एकदम 10% किया हुआ सारा पैसा सरकार रख लेगी, ये सबसे बड़ी कमी है। और 25 लाख से भी कम ग्रेड पे का जो है, सबसे मतलब जिसका लोएस्ट ग्रेड पे है, वो 25 लाख रुपया औसतन उसको मिल होगा, वो सरकार रख लेगी। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी कमी थी ये यूपीएस का। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ओपीएस में देखिए छठा पॉइंट, ओपीएस पाने वाला व्यक्ति
पेंशन अगर 80 साल का हो जाता है तो 20% पेंशन बढ़ जा रहा है, अगर व्यक्ति 85 साल का हो जा रहा है तो 30% पेंशन बढ़ जा रहा है, 90 साल का हो जा रहा है तो 40% पेंशन बढ़ जा रहा है उसका, 95 साल का अगर कोई व्यक्ति हो जा रहा है तो 50% पेंशन बढ़ जा रहा है, और अगर 100 साल अगर पूरा कर लिया कोई व्यक्ति तो पेंशन सीधे दुगुना हो जा रहा है ओपीएस में। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा अंतर है ओपीएस वर्सेस यूपीएस में। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर चौथा पॉइंट में देखिए यूपीएस में कि अगर रिटायरमेंट पर किसी का वेतन 50,000 है तो 50,000 गुने 6 यानी 3,00,000 रुपये आपको जो है लमसम अमाउंट मिलेगा ग्रेचुटी का लाभ। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारा पॉइंट है जो आपको हम पूरा डिटेल बताएंगे। देखिए सातवां पॉइंट यहाँ ओपीएस का, ओपीएस में वेतन आयोग लगते हैं और संस्तुति बराबर बढ़ोतरी होते रहती है, वेतन आयोग इसमें लगता है जबकि यहाँ वेतन आयोग नहीं लगता है यूपीएस में। जी हाँ दोस्तों, और वेतन आयोग जब लगता है तो पेंशन दुगनी और चौगुनी भी होते जाती है जबकि यूपीएस में कोई वेतन आयोग नहीं लगता दोस्तों। मेडिकल सुविधा देखिए ओपीएस में है, अपंगता अधिकार के स्पेशल पेंशन सुविधा मिलती है अगर कोई अपंग हो जाता है और पुनः अगर अपंगता ठीक होने पर ड्यूटी ज्वाइन कर सकता है, ये ओपीएस का सबसे बड़ा ये सुविधा दिया जा रहा है। आप यहाँ देखें यूपीएस में 10 वर्ष की नौकरी छोड़ने वालों को ना तो फंड का पैसा मिलेगा ना ही पेंशन के, और पेंशन के लिए आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, 6 महीना का फंड भी नाजायज चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए सबसे बड़ा अंतर जो पैदा कर दिया है यूपीएस और ओपीएस में जो आपको हम बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी हाल में ओपीएस सबसे बेटर स्कीम है, एनपीएस हो या यूपीएस, यानी नो एनपीएस नो यूपीएस ओनली ओपीएस। इसलिए सरकारी कर्मचारी चाहता है कि उसे सिर्फ ओपीएस ही मिले।